नमस्कार, न्यूज नेशन आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। आपको देश के 71वें गणतंत्र की 71 तस्वीरें दिखाते हैं। देश भर में धूमधाम से मनाया गया 71वें गणतंत्र का दिवस। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राजपथ पर फहराया तिरंगा। लेफ्टिनेंट कर्नल सी संदीप की कमान में सेना ने दी 21 तोपों की सलामी। पहली बार गणतंत्र दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल वॉर मेमोरियल पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर पीएम मोदी के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, तीनों सेनाओं के प्रमुख और सीडीएस भी मौजूद रहे। इससे पहले देश के प्रधानमंत्री इंडिया गेट पर बने अमर जवान पर शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे। वॉर मेमोरियल पर शहीदों को श्रद्धांजलि देने के बाद राजपथ पर 71वें गणतंत्र दिवस का तिरंगा फहराया गया, जिसमें समारोह के चीफ गेस्ट ब्राजील के राष्ट्रपति ने देखा हिंदुस्तान का दम। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और मुख्य अतिथि ब्राजील के राष्ट्रपति की अगवानी भी की। गणतंत्र दिवस के मौके पर राजपथ पर हिंदुस्तान की अदम्य शौर्य शक्ति का प्रदर्शन देखने को मिला। सेना के सभी रेजिमेंट ने राष्ट्रपति को सलामी दी, तो अलग अलग राज्यों की झांकियां भी यहां पर भारतीय संस्कृति की झलक दिखाती हुई नजर आई। 90 मिनट के गणतंत्र दिवस परेड में 16 मार्चिंग दस्ते, 21 बैंड और 22 झांकियां निकाली। राजपथ पर सांस्कृतिक विरासत की दिखी भव्य झलक। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की दिखाई गई 16 झांकियां। स्टार्टअप इंडिया और जल जीवन मिशन योजनाओं का भी प्रदर्शन किया गया। रूप में पूजा की जाती है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के तिरंगा फहराने के बाद MI-17 और V-5 के 155 हेलीकॉप्टर यूनिट ने आसमान से फूलों की बारिश की। विंग कमांडर निखिल मेहरोत्रा की अगुवाई में राजपथ पर गणतंत्र दिवस परेड में पुष्प वर्षा की गई। पंखुड़ियां बरसाते हुए अन्य हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश के बाद लेफ्टिनेंट जनरल असित मिस्त्री ने किया 71वें गणतंत्र दिवस परेड को लीड। परेड कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल असित मिस्त्री के बाद वीरता पुरस्कार विजेता जवानों ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और तिरंगे को सलामी दी। इसके बाद राजपथ पर किया गया भारत की सैन्य ताकत का प्रदर्शन। सेना के सीनियर अधिकारियों के बाद ग्वालियर लांसर्स की 61 कैलेवरी ने राष्ट्रपति को सलामी दी। कैप्टन दीपांशु शोराण ने किया ग्वालियर लॉरेंसिस की 61 कैलेवरी टुकड़ियों को लीड। 61 कैलेवरी दुनिया में एकमात्र सक्रिय सेवारत घुड़सवार रेजिमेंट। गणतंत्र दिवस की परेड में दिखी नारी शक्ति। सेना में चौथी पीढ़ी की अधिकारी कैप्टन तान्या शेरगिल ने 147 जवानों वाले पुरुष कंटिजेंट को परेड में किया लीड। ये दूसरा मौका है जब तान्या शेरगिल ने पुरुषों की सैन्य परेड को लीड किया। इससे पहले इसी साल 15 जनवरी को आर्मी डे के मौके पर भी तान्या शेरगिल ने पुरुष कंटिजेंट को लीड किया था। गणतंत्र दिवस के मौके पर दुनिया भर ने देखी हिंदुस्तान की ताकत। गणतंत्र दिवस परेड के दौरान T-90 भीष्म टैंक ने दी राष्ट्रपति को सलामी। एंटी टैंक मिसाइल दागने में सक्षम T-90 भीष्म टैंक की कमान 86 आर्म रेजिमेंट के कैप्टन सनी चाहर के हाथों में रही। गणतंत्र दिवस परेड के दौरान K-9 वज्र टी टैंक को भी दिखाया गया। K-9 टी टैंक की कमान 269 मीडियम रेजिमेंट के कैप्टन अभिनम साहू के हाथों में रही। कुछ दिनों पहले गुजरात के सूरत में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस K-9 टी टैंक को हरी झंडी दिखाई थी। इस टैंक में है पलक झपकते ही टारगेट को ध्वस्त करने के बाद अपनी लोकेशन बदलने की ताकत। 71वें गणतंत्र दिवस परेड में राजपथ पर सबसे पहले शान से निकली जमीन से हवा में मार करने वाली आकाश मिसाइल। 700 किलो वजन की ये आकाश मिसाइल एक साथ कई टारगेट पर निशाना दाग कर दुश्मनों का खात्मा करने में सक्षम है। The 128 Air Defense Missile Regiment was raised in 1951 and the regiment Major Anjum Gorkha ki Rajpath par Ganatantra Divas parade mein Sikh regiment ka dikha dam। Sikh regiment ke jawanon ne kadam se kadam milakar ki parade aur rashtrapati ko di salaam। 41 mein kya gaya tha
रेजिमेंट का। गणतंत्र दिवस की परेड में पहली बार शामिल हुआ आर्मी एयर डिफेंस कोर, राजपथ पर जवानों ने कदम से कदम मिलाकर परेड। पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक में अहम रोल निभाने वाली पैरा कमांडो की टुकड़ी भी गणतंत्र दिवस परेड में शामिल हुई। पैरा कमांडो की इस टुकड़ी ने पीओके के आतंकी कैंप पर सर्जिकल स्ट्राइक कर पुलवामा आतंकी हमले का बदला लिया था और पाकिस्तान को करारा जवाब दिया था। हम भारत के वीर और हम अपने देश के रक्षक, जाति भेदभाव को मिटाएं। गणतंत्र दिवस के मौके पर राजपथ पर जवानों की शक्ति, जोश और जुनून का ये नजारा है जिसे आज पूरी दुनिया ने देखा। देश भर में आज धूमधाम से गणतंत्र दिवस का परेड और इसका जश्न मनाया जा रहा है। आप देख रहे हैं तस्वीरों में, ये राजपथ की तस्वीर है, लेकिन देश के अलग अलग हिस्सों से ऐसी तस्वीरें आज देखने को मिली। गणतंत्र दिवस के मौके पर पूरी दुनिया ने आज देखा कि हिंदुस्तान कैसे अपने दुश्मनों का खात्मा कर सकता है और हिंदुस्तान की ताकत क्या है। ये पैरा कमांडो हैं जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक कर आतंकी अड्डों को तबाह कर दिया था। आपको याद होगा सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान रात में आतंकियों का खात्मा करके वापस ये जवान आ गए थे। और सम्मान प्रदान कर गणतंत्र दिवस के मौके पर पूर्व वीर सैनिकों ने भी सलामी दी। राजपथ पर लोगों ने ताली बजाकर वीर सैनिकों का हौसला बढ़ाया। गणतंत्र दिवस की परेड में नेवी के बैंड ने बांधा समा। राजपथ पर राष्ट्रपति को सलामी। गणतंत्र दिवस पर एयरफोर्स के जवानों ने भी दिखाया दम। राजपथ की परेड में कदम ताल मिलाकर की सलामी। आईटीबीपी, सीआईएसएफ और सीआरपीएफ के जवानों की टुकड़ी भी परेड में शामिल हुई, कदम ताल कर राष्ट्रपति को दी सलामी। और कमान संभाली है इंस्पेक्टर शमशेर लाल। राजपथ पर मोटरसाइकिल पर सवार केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का महिला दल नजर आया। एक मोटरसाइकिल पर महिला दस्ते ने बनाया बैलेंस। अनोखा सामंजस्य यह है मोटरसाइकिल सवार सीआरपीएफ का। दो चलती बाइक के बीच में महिला जवान ने दिखाया जबरदस्त स्टंट, एक रॉड के सहारे कलाबाजी करती नजर आई। राजपथ पर हेड कांस्टेबल संगीता कुमारी के स्टंट ने लोगों को किया हैरान, लैंडर क्लाइंबिंग करती नजर आई। परफेक्ट बैलेंस ऑन राजपथ, हेड कांस्टेबल संगीता कुमारी इज क्लाइंबिंग अप एंड डाउन अ लैडर, परफेक्ट बैलेंस विद परफेक्ट फेलिसिटी। They make it look all so easy. Balance on Rajpath, Head Constable Sangeeta Kumari. गणतंत्र दिवस के मौके पर एनसीसी बॉयज के बेस्ट कैडेट ने भी अपना दम दिखाया। एनसीसी कैडेट ने राष्ट्रपति को सलामी दी। एनसीसी कैडेट्स ने कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा की धुन पर परेड में आए लोगों का दिल मोह लिया। जहां एक और लड़कों ने एनसीसी बैंड में दम दिखाया तो वहीं पर लड़कियां भी अपना कौशल दिखाने में पीछे नहीं रहीं। दिल्ली में गणतंत्र दिवस के मौके पर एनसीसी गर्ल्स बैंड ने परेड में आए लोगों का मनमोहा। राजस्थान से आए इस गर्ल बैंड ने हिंदुस्तान हमारा है की धुन पर लोगों का भरपूर मनोरंजन। दिल्ली में 71वें गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली पुलिस ने भी राष्ट्रपति को सलामी दी। दिल्ली पुलिस के बैंड की अगुवाई सब इंस्पेक्टर राजेंद्र सिंह ने की। गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली पुलिस ने जोशीली धुन बजाकर लोगों का दिल जीत लिया। इस परेड में दिल्ली पुलिस के 68 जवान शामिल। राजेंद्र सिंह कर रहे हैं।
रास्ते में चार सब इंस्पेक्टर। 71वें गणतंत्र दिवस के मौके पर भारतीय सेना का मास्टर पाइल्स एंड ड्रॉप बैंड ने अपना संगीत का हुनर दिखाया। सूबेदार मेजर मलकीत सिंह की अगुवाई में 130 संगीतकारों के बैंड ने अपनी धुनों से लोगों का मन मोह लिया। इन संगीतकारों को 13 यूनिट्स और सेंट्रल ने लिया गया है। गणतंत्र दिवस के मौके पर आईटीबीपी यानी कि भारतीय तिब्बत बॉर्डर पुलिस बैंड ने भी अपना कौशल दिखाया। आईटीबीपी ने हिंदुस्तान हमारा है की धुन पर राष्ट्रपति को सलामी दी। इस बैंड की अगुवाई दिवाकर प्रसाद ने। ट्यून वेरी वेल नोन सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान। रिपब्लिक डे में बीएसएफ ने भी अपना शौर्य दिखाया। राजस्थान और गुजरात के कच्छ के बीएसएफ कैमल टुकड़ी ने रिपब्लिक डे के मौके पर राष्ट्रपति को सलामी दी। इस टुकड़ी की अगुवाई डिप्टी घनश्याम सिंह ने की। ये टुकड़ी राजस्थान और गुजरात के बॉर्डर पर देश की रक्षा करती है। परेड में पहली बार डीआरडीओ एंटी सैटेलाइट मिशन शक्ति को शामिल किया गया। अंतरिक्ष में सैटेलाइट को मार गिराने की क्षमता। जमीन से लेकर आसमान तक दिखा हिंदुस्तान का दम। एयरफोर्स के फाइटर प्लेन सुखोई 30 एमकेआई ने दिल्ली के आसमान में 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से त्रिशूल का आकार बनाकर शक्ति प्रदर्शन किया और तिरंगे को सलामी दी। सुखोई की इस ताकत को देखकर दुनिया दंग रह गई। गणतंत्र दिवस परेड के दौरान 5 अपाचे हेलीकॉप्टर ने भी उड़ान भरी। अपाचे हेलीकॉप्टर उड़ाने वाले ग्रुप का नेतृत्व ग्रुप कैप्टन मनारथ शीलू वीएम ने किया। दुनिया में सबसे विध्वंसक और दुश्मनों के लिए सबसे खतरनाक हेलीकॉप्टर माना जाता है अपाचे। 3 डॉर्नियर विमानों का भी शक्ति प्रदर्शन किया गया। दूसरे 2 विमानों के कप्तान स्क्वाड्रन लीडर विकास कुमार और स्क्वाड्रन लीडर अभिषेक वशिष्ठ थे। गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार चिनूक हेलीकॉप्टर्स और अपाचे की दिखी ताकत। ऊंचे और दुर्गम इलाकों में जाकर दुश्मन का अंत करने वाले सैनिक का ये हथियार बना। परेड के दौरान लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र पहली बार परेड में चिनूक हेलीकॉप्टर को किया गया शामिल। गणतंत्र दिवस परेड के दौरान राजपथ पर मालवाहक सैन्य विमान हरक्यूलिस ने भी दिखाई अपनी ताकत। हरक्यूलिस ने 4 टर्बोप्रोप इंजन और 670 किलोमीटर प्रति घंटे की तूफानी रफ्तार से उड़ान भरने की ताकत। दो पायलट और 2 इंजन वाले विमान सुखोई 30 की आसमान में हुंकार मिसाइल बम लेकर उड़ने में सक्षम। 10 घंटे तक लगातार भर सकता है। Absolutely spectacular. And now peeling off in 3 different directions. The Trishul. 71वें गणतंत्र दिवस के मौके पर आगरा के जमाज विंग कमांडर यथार्थ जौहरी ने राजपथ पर निकाली परेड में अपने अदम्य साहस से लोगों को हैरत में डाल दिया। इस दौरान सुखोई विमान से वर्टिकल चार्ली फॉर्मेशन को अंजाम दिया उन्होंने। इसे देखकर लोगों ने दांतों तले उंगली दबा ली। इस दौरान पूरी दुनिया ने हिंदुस्तान का दम देखा। स्वदेश में विकसित किया गया नेत्र विमान भी आसमान में नजर आया। एरो इंडिया 2017 में वायुसेना में हुआ था शामिल। टारगेट को जमीन समुद्र आकाश में ढूंढने में सक्षम। और विंग कमांडर उत्कर्ष सिंह। गणतंत्र दिवस परेड में उदयपुरी गरबा डांस भी देखने को मिला। उदयपुरी गरबा डांस ने लोगों का मन मोह लिया। परेड के दौरान ये आकर्षण का केंद्र रहा। इकहत्तरवें गणतंत्र दिवस के मौके पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन यानी एनडीआरएफ ने भी झांकी निकाली। ये बल मानवीय सेवा में सबसे आगे रहता है। इस मौके पर एनडीआरएफ की टीम ने अपनी झांकी के जरिए लोगों का दिल जीत लिया। गणतंत्र दिवस पर देश की संस्कृति की दिखी झलक। राज्यों की झांकियों ने लोगों का मन मोह लिया। उड़ीसा की झांकी में खूबसूरत नृत्य करती नजर आई महिलाएं। यहां भगवान लिंगराज की भगवान शिव और भगवान विष्णु। असम की झांकी में राज्य की कला को दर्शाया गया। पारंपरिक नृत्य ने समा बांधा। राजपथ पर हिमाचल प्रदेश की झांकी का दिखा खूबसूरत नजारा। रथ की खींचने की तस्वीर सामने आई। पारंपरिक धुन ने समा बांधा।
मध्य प्रदेश की झांकी को भी लोगों ने कैमरे में कैद किया, ढोल की थाप पर नृत्य करते नजर आए पुरुष और महिला। मध्य प्रदेश ट्राइबल म्यूजियम व्हिच गिव्स अस अ वंडरफुल इनसाइट इनटू द वर्ल्ड ऑफ गोवा। राजपथ पर गोवा की संस्कृति की भी झलक दिखी, झांकी में गोवा के मशहूर चर्च को भी शामिल किया। बायोडायवर्सिटी ऑफ द स्टेट, मिस्टर फ्रॉग पर्च्ड ऑन अ रॉक प्लेइंग द गिटार। राजस्थान की झांकी में महिलाओं की पारंपरिक नृत्य का देखा खूबसूरत नजारा, सिर पर मटकी रखकर महिलाओं ने नृत्य किया। विषय वस्तु है जयपुर, एक धरोहर शहर। छत्तीसगढ़ की झांकी का लोगों ने तालियों के साथ किया स्वागत, झांकी में राज्य की संस्कृति को दर्शाया गया। तमिलनाडु की झांकी में राज्य की पारंपरिक वेशभूषा में नजर आए लोग, तमिलनाडु के लोगों ने तालियां बजाकर हौसला अफजाई। परेड के दौरान तेलंगाना की खूबसूरत झांकी ने राजपथ पर बैठे लोगों का मन मोह लिया, राजपथ पर गाने बजाने के साथ तेलंगाना की रंग बिरंगी झांकी निकाली। देश भर में धूमधाम से मनाया गया गणतंत्र दिवस, वाघा बॉर्डर पर बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी को देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ी, BSF के जवानों का दिखा जबरदस्त जोश। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी मनाया गणतंत्र दिवस, राजपथ पर परेड में शामिल होने के बाद राजनाथ सिंह ने अपने आवास पर भी रक्षा मंत्री तिरंगा फहराते हुए नजर आए। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भी गणतंत्र दिवस मनाया, दिल्ली में अपने आवास पर नितिन गडकरी ने ध्वजारोहण किया। दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय में भी धूमधाम से मनाया गया गणतंत्र दिवस समारोह, बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में बीजेपी के नए अध्यक्ष जेपी नड्डा ने फहराया 71वें गणतंत्र दिवस का तिरंगा। गोरखपुर में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने शिशु मंदिर में मनाया गणतंत्र दिवस, तिरंगा फहराने के बाद संघ प्रमुख मोहन भागवत ने छात्र छात्राओं और स्वयंसेवकों को राष्ट्रध्वज के तीनों रंगों का महत्व बताया और कहा कि तिरंगे में शामिल तीनों रंग ज्ञान, कर्म और भक्ति का कर्तव्य बताने वाले। RSS महासचिव भैयाजी जोशी ने नागपुर में मनाया गणतंत्र दिवस, नागपुर के संघ मुख्यालय में RSS कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में भैया जोशी ने तिरंगा फहराया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने घर पर तिरंगा फहराकर 71वें गणतंत्र दिवस को मनाया, तिरंगा फहराने के बाद अरविंद केजरीवाल ने वहां मौजूद सुरक्षा बलों को मिठाई बांटी। कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद पहला गणतंत्र दिवस मनाया गया, उपराज्यपाल GC मुर्मू ने श्रीनगर में तिरंगा फहराया। महाराष्ट्र में भी मनाया गया 71वें गणतंत्र दिवस का जश्न, महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने किया ध्वजारोहण और परेड की ली सलामी। इस मौके पर CM उद्धव ठाकरे समेत महाराष्ट्र के सभी मंत्री और बॉलीवुड के कई सितारे मौजूद रहे। गोवा के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने पणजी में फहराया तिरंगा, जवानों ने दी सलामी। कोची में भारतीय नौसेना के झंडा फहराकर गणतंत्र दिवस मनाने की तस्वीर सामने आई, नौसेना के जवानों ने कदम से कदम मिलाकर तिरंगे को सलामी दी। गणतंत्र दिवस के मौके पर जवानों का जोश हाई, लद्दाख की बर्फीली पहाड़ियों पर भारत तिब्बत बॉर्डर पुलिस के जवानों ने फहराया तिरंगा, 17,000 फीट की ऊंचाई और -20 डिग्री सेल्सियस तापमान में लगे भारत माता की जय के नारे, ITBP के जवानों ने -20 डिग्री तापमान में 71वें गणतंत्र दिवस का तिरंगा फहराने के बाद भारत माता की जय के नारे लगाए और वंदे मातरम का जय घोष किया। गणतंत्र दिवस के मौके पर गुजरात के पोरबंदर में दिखा खूबसूरत नजारा, कई तैराकों ने मिलकर समंदर के बीचों बीच फहराया तिरंगा और लहरों के बीच धूमधाम से मनाया 71वें गणतंत्र का जश्न। CAA और NRC के विरोध में पिछले एक महीने से सड़क रोक कर धरना प्रदर्शन से विवादों में रहने वाले दिल्ली के शाहीन बाग में भी मनाया गया गणतंत्र दिवस का समारोह, शाहीन बाग में CAA के विरोध में बैठे लोगों ने फहराया तिरंगा। लखनऊ के घंटा घर में भी मनाया गया गणतंत्र दिवस का जश्न, नागरिकता कानून के खिलाफ धरने पर बैठे लोगों ने फहराया तिरंगा। G20
जेएनयू में भी किया गया ध्वजारोहण। वीसी को पहली बार एनसीसी कैडेट्स ने दिया गार्ड ऑफ ऑनर। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे।